हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिरर वर्क करेंगे। मिरर के ऊपर ऐसे वर्क कैसे होगा, जैसे कि हमने ये फ्रेम में ले लिया है फैब्रिक, जहाँ पे भी हमने वर्क करना है। पहले हम निशान लगा लेंगे ऐसे। आप चाहो तो ऐसे इसको गम के साथ पहले चिपका भी सकते हो, ऐसे चारों साइड सेंटर में निशान लगा लेना पहले। इसके लिए जो हमने थ्रेड लिया है, ये डोरी वाला थ्रेड कहते हैं इसको, सिंगल ले लिया इसको मैंने। इससे जहाँ पे निशान लगाया एक निशान पे पहले ले ली। इसको यहाँ से इधर तक दूसरे निशान पे, इसी के साथ ही बिल्कुल निकालना है इधर से। फिर अगले निशान तक ऐसे ही इसके साथ बिल्कुल लेके ऊपर की तरफ। इस निशान पे और यहाँ पे जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे ऐसे इसको ख़त्म करके और इसके बिल्कुल साथ लेके दोबारा वहीं से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल थोड़े थोड़े गैप में अब करना है ऐसे। इधर से ऐसे इसको थोड़े थोड़े गैप में करते जाएंगे। ध्यान रहे गैप बिल्कुल इक्वल देना है चारों तरफ। ऐसे ही हम तीसरी लेयर स्टार्ट कर लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने पांच लेयर बना ली हैं। ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे इसको। आप इससे कम गैप भी दे सकते हो जितना आपको चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम राउंड मिरर वाले वर्क के बताएंगे।
बहुत डिज़ाइन आते हैं इसमें। ये हम दुपट्टास पे, सूट्स पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं, कुशन, पिल्लोज। ऐसे ही ये जगह सारी भर देंगे जो बाकी की रह गई हमारी। मैंने सारे कॉर्नर ये भर दिए हैं। अब इसको हम इधर से ही नीचे पक्का कर देंगे। थैंक यू।